डर तो अभी कोरोना से डर है और इसके लिए सावधानी हमको बरतनी है। इसके लिए हमको आगे मैं हमेशा ये मारने गलती हुई है और मास्क क्यों नहीं लगाए हो? कहाँ है मास्क, दिखाओ किधर रुमाल है। मास्क क्यों नहीं लगाए हो? अभी घर के बगल में निकल आए हैं। आप लोग खुद अभी क्यों नहीं मास्क लगाए यहाँ पे? चलिए मास्क लगाते हैं। अब गलती हो रही है आप लोगों से? जी बिल्कुल। कोरोना खत्म हो गया क्या? कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना का डर थोड़ा सा खत्म हो गया है। लगाते हैं, अभी लगाया नहीं है। कब लगाएंगे? अभी लगा लेंगे। क्यों लापरवाही क्यों कर रहे हैं? लापरवाही नहीं कर रहे हैं, अभी ग्राहक से बात कर रहे थे, लगा लेंगे। अभी लाख कोशिशों और तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद भी वाराणसी में कोरोना संक्रमितों और मौतों का सिलसिला थमता नहीं जा रहा है। इसके बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग से ले कर मास्क, जो बुनियादी प्रोटोकॉल हैं कोरोना के दिशा निर्देश, उसको मान नहीं रहे हैं। इस समय ज़मीनी हकीकत जानने के लिए वाराणसी की सड़कों पर हम उतर आए हैं और इस समय वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के भैरवनाथ चौकी के बाहर हम लोग हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, जब खुद पुलिस वाले मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनके साथ खड़े लोग नहीं लगा रहे हैं, तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाएगी, बताइए। कहाँ पर तैनात हैं आप? मैं थाना कोतवाली वाराणसी में तैनात हूँ। तो आपने मास्क नहीं लगाया है, यहाँ शायद आपकी ड्यूटी भी है, क्यों आखिर कर रहे हैं? आपको मालूम होगा कि लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? आप क्या दूसरों से अपेक्षा करेंगे या किस तरह पालन कराएंगे? देखिए अभी ये मास्क निकाल रहे हैं तो हमें मिलने दोगे? एक मिनट। नहीं, अभी क्यों लगा रहे? पहले लगा लेना चाहिए था आपको। पहले मैं अकेला था, अपने कैबिन में बैठा हुआ था, इसलिए नहीं लगाया था। नहीं, अभी तो आप रोड पे काफ़ी देर से खड़े हैं आप। मैं अपने पोस्ट पे खड़ा हूँ ना। ये जिम्मेदारी किसकी है? कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेदारी है। माना कि आप लोगों पर प्रेशर बहुत होता है काम का, लेकिन मास्क लगाने में क्या तकलीफ होती है? कोई तकलीफ नहीं। तो मानना गलती हुई है? गलती हुई है। चलिए, ये भाई साहब भी इस बगल में खड़े हैं, ये इनके साथ आप नज़दीक में खड़े भी थे, मास्क नहीं लगाए हैं। क्या कोरोना खत्म हो गया है? क्या बनारस एकदम गायब हो गया है? नहीं सर, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मास्क न रहने की वजह से भाई नहीं लगा पाए, लेकिन ऐसी बात नहीं। मास्क न रहना क्या, आप बकायदे पूरा वेल मेंटेन इस समय है, जूता से लेके सदरी सब कुछ पहने हुए हैं, मास्क ही क्यों नहीं लगाए हैं? क्यों नहीं है मास्क? नहीं, भूल से नहीं ले पाया हूँ, इसी वजह से मेरी गलती है, मैं ले नहीं पाया हूँ मास्क। ऐसे आगे ये लापरवाही क्यों हो रही है? लापरवाही, अब ये गलती है अपनी, लापरवाही है इसको नहीं कहती है, गलती है अपनी। अब मान लीजिए आप घर पर जाते हैं, परिवार में बच्चे होंगे, बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, महिलाएं होंगे, आप तमाम जगहों से होके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डर नहीं लगता कि उनको आप कोई खतरा दे सकते हैं? डर तो है ही, डर तो अभी कोरोना से डर है और इसके लिए सावधानी हमको बरतनी है। इसके लिए हमको आगे मैं हमेशा ये मारने गलती हुई है। पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर तो होता ही है, मान सकते हैं बात, लेकिन आम इंसान जो यहाँ पे, आम पब्लिक जो बनारस की, वो भी पूरी तरह से लापरवाह हो गई है। इस समय वाराणसी के ये दुकानों पे भी हमें, ठीक पुलिस चौकी के बगल में यहाँ पर इनसे पूछते हैं कि ये दुकान आपकी है, कितने बजे खुल जाती है, बंद हो जाती है? 9 बजे खुल जाती, 9 बजे बंद हो जाती है। कि तब तक आप लोग बिना मास्क के ही रहते हैं? नहीं, मास्क लगाए रहते हैं। अभी क्यों नहीं लगाएं? अभी कस्टमर देख के अभी खाली हुए। नहीं तो यही तो है, जब कस्टमर के साथ रहेंगे तो भी लगाना है, और जब आप ऐसे हैं तो भी आपको लगाना है। ओके सर। क्यों नहीं लगाएं? अभी लगा लेंगे तुरंत। सोशल डिस्टेंसिंग है और आदमी जो है अभी कोई है नहीं। अभी आप सोशल डिस्टेंसिंग में खुद नहीं बैठे हैं? हम लोग साथ में हैं ना भैया, अभी यहाँ कोई है नहीं, कोई अदर आदमी आ नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है। तो कोरोना जो वायरस है वो तो नहीं जानेगा, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा है। आप लोग खुद अभी क्यों नहीं मास्क लगाए यहाँ पे? चलिए मास्क लगाते हैं। अब गलती हो रही है आप लोगों से? जी बिल्कुल। लग रहा है कोरोना खत्म हो गया क्या? कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना का डर थोड़ा सा खत्म हो गया है। डर खत्म हो गया है, लापरवाही हो रही है? जी, तो लापरवाही हो रही है, ये लोग जान रहे हैं, लोगों को मालूम भी है कोरोना की रफ्तार तेज है, लेकिन बावजूद इसके वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। एक यहाँ पे फुटवेयर की भी दुकान है, मास्क क्यों नहीं लगाया भाई साहब आपने? मास्क नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्या कोरोना बनारस में खत्म हो गया, आपको लग रहा है पूरी तरह से? खत्म तो नहीं हुआ अभी है, अभी भी रोजाना औसतन 70-80-100 तक लोग यहाँ संक्रमित हो रहे हैं, 2 केस करीबन डेथ के आ रहे हैं। क्यों नहीं आप लोग मास्क लगा रहे हैं? लगाते हैं, अभी लगाया नहीं है। कब लगाएंगे? अभी लगा लेंगे।
क्यों लापरवाही क्यों कर रहे हैं? लापरवाही नहीं कर रहे हैं, अभी ग्राहक से बात कर रहे थे, लगा लेंगे अभी। नहीं, पूरा कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए हैं और एक छोटा सा मास्क आपको चेहरे पे लगाने में क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं है, लगा लेंगे अभी, लगा लेते हैं अभी, लगा लेंगे। ये एक यहाँ पे लड़का भी है, क्यों बाबू आप मास्क क्यों नहीं लगाए हो? भूल गए हैं घर पे। तो घर जाओगे तो ऐसे ही चले जाओगे, तमाम लोगों से मिलजुल रहे हो आप दुकान पे, क्या पता कोरोना संक्रमण आप को कहीं प्रभावित ना कर दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए और भी देखते हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ खड़ी हैं। आप मास्क क्यों नहीं लगाई हैं? लगा रहे हैं, लिए तो हैं। हाथ में लेके खड़े रहने से नहीं होता है, लगा ले रहे हैं। तो ये है वाराणसी का सूरत हाल, ये लड़का है इसी तरह घूम रहा है। गुटखा वगैरह खाए हो क्या? और मास्क क्यों नहीं लगाए हो? कहाँ है मास्क, दिखाओ। ये तो रुमाल है। मास्क क्यों नहीं लगाए हो? अबे घर बगल में निकल गए हैं। अरे तुम कायदे से बोलो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसे बताओ बिना थूके बताओ। बिना थूके बताइए आप क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क नहीं है। तो क्यों नहीं है? आप अच्छा खासा कपड़ा पहने हो। क्या नहीं है कपड़े तो आप अच्छे पहने हो। कपड़ा मास्क के लिए पैसा नहीं है। अरे देखिए, इनके अच्छा खासा ये कपड़ा पहने हैं नौजुवक है, लेकिन मास्क लगाना ये जरूरी नहीं समझ रहे हैं। तो ये है वाराणसी का सूरत हाल। सिर्फ वाराणसी के एक चौराहे की बात करें, कमोबेश ऐसी ही तस्वीर लगभग सभी चौराहों, सभी इलाकों, मोहल्लों, गलियों में देखने को मिल जाएंगी। लोग जागरूक तो जानकारी तक के लिए हैं कि उनको मालूम है कि वाराणसी में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हुई है, लेकिन वो लापरवाही भी साथ में बरत रहे हैं और वो सुधार भी अपने अंदर नहीं लाना चाह रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।